हेलो एवरीवन, स्वागत है मेरी एक और वीडियो में। जो मैं एक्सेल कोर्स आपके लिए लेके आया हूँ, उस कोर्स सीरीज की ये दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सेल में हम किस तरीके से सीक्वेंशियल डाटा को फिल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आपका सीक्वेंशियल डाटा बहुत जल्दी से कुछ शॉर्टकट्स की हेल्प से ट्रैक कर सकते हो अपनी एक्सेल शीट में। तो आप लोगों ने एक या दो तरह के सीक्वेंशियल डाटा को ड्रैग करना सीखा होगा। इस वीडियो में मैं आपको कई सारे तरह के डाटा को ड्रैग करके दिखाऊंगा कि हम लोग किस तरीके से डाटा को ड्रैग कर सकते हैं और अपने काम को बहुत फास्ट कर सकते हैं एक्सेल में। तो लेट्स गेट स्टार्टेड दोस्तों, देखते हैं अपनी इस वीडियो को डिटेल में। तो जैसा मैंने आपको बताया है दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। वीडियो में मैं आपको एक्सेल में कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टिप्स बताने जा रहा हूँ, जिन टिप्स को आप यूज़ करके अपने काम को बहुत ही फास्ट कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले ये देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा वन, और मैं चाहता हूँ जो हमारा सबसे कॉमन सीक्वेंशियल डाटा होता है, एक सीरीज़ होती है 1 2 3 4 5, इसको हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं एक्सेल में जब भी कभी हम कोई सीरीज़ यूज़ करते हैं। तो एक तो अगर मैं इसको डायरेक्टली ऐसे ही ड्रैग कर देता हूँ तो सेम नंबर जितनी बार आप चाहे तो वो आप नंबर ड्रैग करें, चाहे तो आप कोई अल्फाबेट ड्रैग करें, तो वो एज इट इज़ ड्रैग हो जाता है। दूसरा तरीका होता है एक हमारा कि हम सीरीज़ ड्रॉ कर सकते हैं यहाँ पे। तो आप देखिए, एक तरीका होता है, सबसे पहला तरीका कि आप फर्स्ट रो में 1 लिखिए, सेकेंड रो में 2 लिखिए एंड देन एंटर कीजिए। ये देखिए, मैंने दोनों 1 और 2 को सेलेक्ट किया एंड देन ड्रैग किया, या फिर मैं इस पर डबल क्लिक भी कर सकता हूँ और ड्रैग किया। एक दूसरा तरीका ये होता है हमारा कि क्लिक कीजिए, मैंने लिखा 1 यहाँ पर और मैंने क्लिक किया फिल में। देखिए होम टैब में आता है एक ऑप्शन फिल, क्लिक ऑन दिस फिल बटन, क्लिक ऑन द सीरीज। ये देखिए यहाँ पर मेरा आया, अगर आप सीरीज़ में देखेंगे तो रो कॉलम लीनियर ग्रोथ डेटा एंड ऑटोफिल। तो सबसे पहले हम लोग लीनियर पे काम करने वाले हैं आज। लीनियर में क्या होता है, मैंने क्लिक किया 1 से स्टेप स्टार्ट हो और स्टॉप वैल्यू हो हमारी 20 पे जाके। जैसे ही मैं ओके करूँगा तो मेरी फर्स्ट रो में न्यूमेरिक नंबर, ये देखिए आप 20 तक फिल हो गए। मैं इसको कॉलम वाइज चाहता हूँ, क्लिक ऑन द फिल अगेन सीरीज एंड सेलेक्ट कॉलम, कहाँ तक 20 तक, देन ओके। तो ये देखिए हमारा 20 तक डाटा फिल हो गया। ये होता है हमारा सीक्वेंशियल फिल, हम किस तरीके से डाटा को सीक्वेंशियली फिल कर सकते हैं। एक हमारा तरीका होता है इसमें कि मुझे एक सेल छोड़ के एक सेल में दूसरा नंबर एंटर करना है। तो ये मैंने किया 1, दो सेल्स को सेलेक्ट किया एंड देन ड्रैग किया। तो आप देखिए एक सेल खाली रहा, दूसरी सेल में 2 आया, तीसरी सेल फिर से खाली रहा। तो इस तरीके से हम, तो अब तीसरी चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेल में फॉर्मूला एडजेसेंट सेल्स में किस तरह से ड्रैग किया जाता है। मुझे यहाँ पे 2 नंबर्स को ऐड करना है, जो इस सेल में होगा और प्लस इस सेल में होगा। तो मैंने इन दोनों नंबर्स को ऐड किया एंड एंटर किया। अब आप देखिए मैं इसको ड्रैग करता हूँ, तो मैं इसको ड्रैग करता हूँ लाइक दिस। ये देखिए मेरा ये फॉर्मूला ड्रैग हो गया, इसमें इन दोनों का ऐड है लाइक दिस। इस तरीके से हम अपना फॉर्मूला ड्रैग कर सकते हैं एडजेसेंट सेल में। नेक्स्ट है हमारा ग्रोथ ट्रेंड, ग्रोथ सीरीज़ हम किस तरीके से प्रिंट करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो मैथ्स के कुछ कैलकुलेशन करना चाहते हैं, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ग्रोथ ट्रेंड होता क्या है, ग्रोथ सीरीज़ किस तरीके से हम लोग फिल करते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा 1, नेक्स्ट सेल में लिखा 2, मैंने इसको सेलेक्ट किया और राइट क्लिक किया यहाँ पर आकर। देखिए ध्यान से राइट क्लिक किया है यहाँ से, और फिर इसको मैंने नीचे को ड्रैग किया, जहाँ तक आपको ट्रैक करना है आप ट्रैक कर सकते हैं। एंड देन जैसे ही आप राइट क्लिक रिलीज़ करेंगे, उसके तुरंत बाद आपको ये एक ऑप्शन मिलेगा, यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है ग्रोथ ट्रेंड। आप क्लिक कीजिएगा, सो ये देखिए आपका 2, 4, 8, 16, 2 की 32 लाइक दिस। तो आपके पास में ये एक सीरीज़ फिल होके आ गई जिसको हम ग्रोथ ट्रेंड बोलते हैं। आप यहाँ पर अगर रखते हैं 1, यहाँ पर रखते हैं 3 एंड देन अगर आप इसको
ग्रोथ ट्रेंड से यूज़ करेंगे, राइट क्लिक किया, ड्रैग किया एंड ग्रोथ ट्रेंड, तो आप ये देखिए 13927 लाइक दिस हमारे पास में ये सीरीज प्रिंट होके आ गई। तो इस तरीके से भी हम अपनी कुछ सीरीज होती हैं जिनको हम प्रिंट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिल अ सीरीज यूजिंग बिल्ट इन आइटम्स। यहाँ पे कुछ पहले से ही बिल्ट इन आइटम्स होते हैं एक्सेल में जिनको हम फिल कर सकते हैं अपनी शीट में ऑटोमेटिकली। तो मैं इनको आपको एक नई शीट पे सिखाने जा रहा हूँ। तो हमने एक नई शीट ओपन कर ली, मैंने इसको जूम किया। सबसे पहले मैं आपको सिखाता हूँ 1 and 2 सिंपल, हम सीख चुके हैं ये पहले भी। तो 1 and 2 लाइक दिस हमने इसको ड्रैग किया, ये ड्रैग हो गया। नेक्स्ट इज टाइम को हम किस तरीके से ड्रैग कर सकते हैं। यहाँ पर आपको लिखना क्या है, यहाँ पर मैंने लिखा 9, तो ये देखिए 9, 10, 11, 12 मैंने यहाँ पर लिखा 9 PM और ट्रैक किया। तो इस तरीके से भी हम अपने टाइम को यहाँ पर ट्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ईयर, अगर आपको डेट या ईयर कुछ ट्रैक करना है तो कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट सपोज मैंने लिखा यहाँ पर 1st Jan, मैंने इसको ड्रैग किया, तो ये देखिए अगर आपने यहाँ पे लिखते हैं 15 Jan और उसके नेक्स्ट सेल में आप लिखते हैं 15 April, फिर आप इन दोनों को अगर ड्रैग करेंगे सेलेक्ट करके तो आपको उसी सीक्वेंस में डेटा मिल जाएगा, जैन अप्रैल जुलाई। देखिए जनवरी के बाद में 2 months छुटे हैं, फेब और मार्च, तो अप्रैल के बाद में देखिए मई एंड जून एंड देन जुलाई। तो इसी तरह से हमारे पास में एक प्रॉपर सीक्वेंस में डेटा, आप अगर आपको ईयर को ट्रैक करना है तो सेम 2020 एंड 2021 और फिर अगर आप इनको ट्रैक करेंगे तो ये देखिए आपके पास में ईयर ट्रैक हो के आ गए। अगर आप वीकडेज को ट्रैक करना चाहते हैं तो मंडे ड्रैग दिस मंडे, कंप्लीट नहीं लिखता मैं इसको, स्मॉल में लिखता हूँ, तो आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो, ये देखिए। इसी तरह से अगर आप नेम ऑफ द मंथ को ट्रैक करना चाहते हैं तो जनवरी एंड देन ड्रैग इस तरह से, ऐसे ही आप इसको भी शॉर्ट में लिख सकते हैं और ड्रैग कर सकते हैं लाइक दिस। इसी तरह से तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर QTR1 एंड लाइक दिस QTR 2, 3, 4। तो क्योंकि हमारे क्वार्टर जो होते हैं 4 होते हैं एक साल में, तो देखिए उसने दोबारा से उसको यूज़ कर लिया। आप पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट सीरीज को भी प्रिंट कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा टेक्स्ट, या मैं अपना नाम लिख देता हूँ यहाँ पर नीरज और नेक्स्ट में लिख देता हूँ, आप इन दोनों को सेलेक्ट कीजिए एंड देन ड्रैग, तो आप इसी सीक्वेंस में इसको ड्रैग कर सकते हैं। आपको लिखना है जैसे 1st Period, आप इसको ड्रैग कीजिए लाइक दिस 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th Period सेम लाइक दिस 1st Product एंड देन ड्रैग, यू कैन इजीली ड्रैग दिस लाइक दिस। ये बहुत एक अच्छी चीज़ है एक्सेल में, अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं तो आपको बहुत सारे काम खुद से नहीं लिखने पड़ेंगे, आप एक्सेल के बिल्ट इन आइटम्स को यूज़ करके आप अपने काम को बहुत इजी कर सकते हैं। यस, अब एक बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें रह गई है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। आप इस तरह से अपने कुछ बिल्ट इन आइटम्स को क्रिएट कर सकते हो, अपनी लिस्ट एक क्रिएट कर सकते हो जिसको आप कभी भी टाइम, अगर आपको लगता है कि आपको उस काम को जल्दी करना है तो उस टाइम पर आप उस लिस्ट को यूज़ कर सकते हो। तो कैसे यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोगों को जाना होगा फाइल में, फिर हमें जाना होगा ऑप्शंस, देन एडवांस और फिर आपको जाना है जर्नल में। तो देखिए यहाँ पे आपको जर्नल मिलेगा, इसको स्क्रॉल करेंगे ये रहा जर्नल,
इसमें आपको मिलेगा एडिट कस्टम लिस्ट, आप टिक कीजिए इस पे एडिट कस्टम लिस्ट पे, एंड यहाँ से आपको एक न्यू लिस्ट टाइप करनी होगी। तो आप टिक ऑन न्यू लिस्ट एंड देन राइट द नेम ऑफ, और फिर यहाँ पर आप अपनी लिस्ट का नाम लिख दीजिए जिस तरह से आपको लिस्ट चाहिए। तो सपोज मुझे कुछ सिटीज़ के नेम चाहिए जिनको मैं ट्रैक करूँ और वो आ जाए। मैंने यहाँ पर लिखा दिल्ली, मेरठ, नोएडा, मुंबई, ऐड। इसको मैंने ऐड किया तो ये देखिए यहाँ पर एक ऐड हो गई लिस्ट एंड ओके ओके। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरठ और इसको ड्रैग करता हूँ तो ये देखिए जो लिस्ट मैंने बनाई थी अगर मैं उसको ड्रैग करता हूँ तो ये मेरा अपने आप से लिस्ट क्रिएट हो गई। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट फीचर है, आप इस तरह से अपना कोई काम, आपको बार बार ये सब चीज़ें लिखने की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इसको अपनी एक बिल्ट इन लिस्ट, बिल्ट इन आइटम की तरह से भी यूज़ कर सकते हो, इसको ऐसे बना सकते हो। तो इस वीडियो में दोस्तों मैंने आज आपको ये सब चीज़ें सिखाई कि किस तरीके से हम लीनियर ग्रोथ डेट और ऑटोफिल मेथड्स को यूज़ करके अपने काम को एक्सेल में बहुत फास्ट कर सकते हैं और बहुत जल्दी से हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं एक्सेल में। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसी लगी आपको मेरी ये वीडियो? आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ नीचे जो लाइक का बटन है और सब्सक्राइब का बटन है उस पर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है जिसको आप एक्सेल में किसी फंक्शन से नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं तो कमेंट में लिख के मुझे भेजिए, मैं उन टॉपिक्स के ऊपर या आपकी प्रॉब्लम को पर्टिकुलरली आपके रिप्लाई में सेंड करके भेजूंगा, आपके लिए वो फंक्शन अप्लाई करके भेजूंगा।